नवादा जिले के राजौली थाना क्षेत्र के प्रांचक गांव के विनोबा नगर में रात्रि एक ही परिवार के दो बच्चे और एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। वहीं नवादा प्रभारी एसपी आनंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया घटना हत्या की प्रतीत हो रही है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन हर बिंदु पर जाँच कर रही है। राजौली थाना अंतर्गत एक प्रांचक गांव है और उसमें एक विनोबा नगर करके टोला है। वहां पर एक ये घर है, आइसोलेटेड घर है, रोड के किनारे बना हुआ। उसमें एक महिला जिसकी उम्र लगभग 45 साल और उसके दो बच्चे जिनकी उम्र लगभग 10 और 13 साल, उनकी बॉडी मिली है और हम लोगों ने अभी घटनास्थल का मुआयना किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला प्रतीत होता है और अभी एफएसएल की टीम को भी बुलाया जा रहा है, डॉग स्क्वाड पर बुलाया जा रहा है और सभी पहलुओं पर गहनतापूर्वक इसकी जांच करके और फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।